أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن कब्र का खौफ न रखना है दिल, कब्र का खौफ न रखना है दिल, वहाँ सरकार दो आलम की ज़ियारत होगी, वहाँ सरकार दो आलम की ज़ियारत होगी। और हश्र का दिन भी अजब देखने वाला होगा, हश्र का दिन भी अजब देखने वाला होगा,
زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے, زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے, پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی, نعت سرکار کی پڑھتا ہوں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. اللہ علیک یا وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جائیں گے, وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جائیں گے. دکھوں نے گھیرا ہے تو درود پڑھو, جنہیں حاضری تمنا ہے وہ درود پڑھو. سب مل کے پڑھیے, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قدموں میں بولا لیجیے, قدموں میں بولا لیجیے, یا نبی مدینے میں کاش میں چلا جاؤں, کاش میں چلا جاؤں آج ہی مدینے میں, کاش میں چلا جاؤں, کاش میں چلا جاؤں آج ہی مدینے میں. کون ہے یہ دیوانہ, کس کا ہے یہ دیوانہ, کون ہے یہ دیوانہ, کس کا ہے یہ دیوانہ, محشر میں بھی کہتا ہے, محشر میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں, محشر میں بھی کہتا ہے, محشر میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے قدموں میں بھولا لیجیے, قدموں میں بھولا لیجیے. محمد ناصر صاحب اور سلطان احمد سروری صاحب کے زیر انتظام جس ہستی کے حوالے سے یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے, اس ہستی پر ساری کائنات قربان, ان کا مقام و مرتبہ ہم نے کیا بیان کرنا ہے. عالم جس کا احترام کرے اسے مفتی کہتے ہیں, عالم سے بڑا درجہ ہے مفتی کا,
मुफ्ती जिसका एहतराम करे उसे फकीह कहते हैं, और फकीह जिसका एहतराम करे उसे मुहद्दस कहते हैं, मुहद्दस जिसका एहतराम करे उसे रावी कहते हैं, रावी जिसका एहतराम करे उसे तबा ताबी कहते हैं, तबा ताबी जिसका एहतराम करे उसे ताबी कहते हैं, और ताबी जिसका एहतराम करे उसे सहाबी कहते हैं, और जिस सहाबी के बराबर सारी जिंदगी कोई इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ता रहे, जिसने एक लम्हा के लिए ईमान की हालत में मुस्तफा का दीदार किया, उस सहाबी के बराबर नहीं हो सकते। और सहाबी जिसके कदमों पर अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद और अपने माँ बाप कुर्बान करने पर फख्र महसूस करे उसे इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। और इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा वजह तखलीक कायनात, आमना के लाल, अब्दुल्ला के चंद, जिसके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाए उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। सुन ला मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, हुजूर फरमाते हैं ए फातिमा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। और फातिमा जिसकी खिदमत करने को अपना फख्र महसूस करे, और फातिमा का जो सर का ताज हो जश्ने मौलूदे काबा, और सारी कायनात जिसके दर के जरिए हुजूर के इल्म की खैरात हासिल करे उसे अली इब्ने अबी तालिब कहते हैं। और अली जिसके घर में परवरिश पाए उसे हजरत अबू तालिब कहते हैं। देने हशर दे सवा होण गे हामी साडे आमना दे, हर बंदे ने कलाम आंदा हामी साडे आमना दे लाल होण गे। जदों देने हशर दे सवाल होण गे हामी साडे आमना दे लाल होण गे। शेर सुनो तो पहले थोड़ी जी शेर की तफसील सुन लो ताकि जन समझ आ जाए, ताकि कोई बंदा सवाल ना उठा सके। एक दफा हजूर सल्लम तशरीफ फरमान साहबा इकराम का मजमा लग्या, हजरत बिलाल हबशी भी मौजूद ने। आपने अर्ज की या रसूल अल्लाह क्या मैं भी जन्नत में जा सा? आपने फरमाया बिल्कुल बिलाल तू जन्नत में जाएगा। जब बिलाल ने वेख्या कि हजूर की जी रहमत है वह जोश के उदो अर्ज कर बैठे या रसूल अल्लाह क्या मैं धड़ जन्नता च जावेगी सवारी आप दे अगे अगे हजरत बिलाल होणगे अगे अगे हजरत बिलाल होणगे हामी साडे आमना दे लाल होणगे। जदों दिन हशर दे सवाल होणगे हामी साडे आमना दे लाल होणगे। जेड़ा नौकर अले दया बच्चियां दा ईमान दी वड्डी पहचान, कुल लोग हैं जितने ईमान वाले उन्ना सारियां दा एलान। कमर हदा कर अली दया बच्चियां दा सच कहना कसम कुरान, जेड़ा मौला अले नू नहीं मनदा ओ बंदा नी शैतान। जदों आए हैदरे करार वेखना पीछे पीछे गौस ते अब्दाल होणगे, पीछे पीछे गौस
اس تے ابدال ہون گے ہمی ساڈے آمنا دلا ہون گے سین شبیر دا مل منگ سے دڈا پانی ہاتھ نہیں بخشا او اپنے کھیر دا مل منگ سی رب بدلے دے وچ جنت دسے بد زینب ویر دا مل منگ سے ساری امت حضور دے بخش ویسے جدوں بال صغیر دا مل منگ سی تیرے پاسے لعنت یزید ہووے گا تیرے پاسے لعنت یزید ہووے گا ساڈے پاس فاطمہ دے لال ساڈے پاس فاطمہ دے لال ہون گے ہمیں ساڈے آمنا دے ہون گے سانو بخشوان لئی خدا سامنے سانو بخشوان لے خدا دے سامنے سیدہ دے نکے نکے بال سبحان اللہ سیدہ دے نکے نکے بال ہون گے ہمی ساڈے آمنا دے لال ہون دے وقت دا بیلی آخری شیخ ایک عارفانہ کلام دا وقت دا بیلی ہر کوئی بندا شلا وقت نہ کھاوے ڈولے سجن بنے دشمن جان دے جداں وقت نو پیندے رولے تے وقت سلامت ہو بھی باہے تے آ سجن کھلوں دے کولے غلام فریدا صدا وقت نران دے کدی ماسے تے کدی تولے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے ہمیں ساڈے آمنا دے لال ہون گے تو شریف لاتے ہیں ذکر صلاتو و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ وسلم علیکا یا سیدی یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ جو مدینے اٹر پردیس گئے وہ دو جگ دے سلطان آئے جو مدینے اٹر پردیس گئے وہ دو جگ دے سلطان آئے وہ پاک رسول دی راحت ہے وہ پاک بطول دی جان ہے کیتی قدر نہ حاکم کوفیاں نے بڑے وکھرے جے مہمان آئے جڑے
करबल रेत च रुल गए हन ओह लो लो ते मर जाने सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह जिब्रील कवे सुल्ताना मैं चुमड़िया तेरिया तलिया जिब्रील कहे सुल्ताना मैं चुमड़िया तेरिया तलिया तेनु सदके नहीं ओ जगाना मैं चुमड़िया तेरिया तलिया मैं भावे सोनिया नूरिया दशा रब दे हबीबा पर तेरा दे गदा मैं भावे सोनिया नूरिया दशा रब दे हबीबा पर तेरा दे गदा मालूम इन तेरिया शाना मैं चुमड़िया तेरिया तलिया मालूम इन तेरिया शाना मैं चुमड़िया तेरिया तलिया छेती छेती अपनिया अखियां नू खोल दे छेती छेती अपनिया अखियां नू खोल दे तरस दे कन मेरे मिठा मिठा बोल दे बेबुराक ते हो ये रवाना मैं चुमड़िया तेरिया तलिया जिब्रील कहे सुल्ताना मैं चुमड़िया तेरिया तलिया बिल्लाह में शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम तमाम अबाब जड़े तशरीफ लैके आए हो मैं मुबारकबाद पेश करता दुआ मौला कायनात आप दा जिक्र मुबारक और अहले बैत अतहार दा जिक्र मुबारक वो हस्तियां जिन्हां दे नजासत और पलीती इन्हां दे करीब तो भी नहीं गुजरदी और इन्हां दा जिक्र करदे भी होन सुनदे भी होन जिन्हां अल्लाह ताला तौफीक देंदा और जिन्हां दे दिल ईमान दे नाल मुनव्वर होंदे अलहम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला दा करम मैं सारे अहबाब दा शुक्रिया अदा करदा पीर साहब भी तशरीफ लैके आ गए कारी इकराम नक्शबंदी साहेब और जीशान बरादरान दफ दे नाल वो भी नात पेश कर सन और हजरत अल्लामा मौलाना अदनान वहीद कासमी साहब आप भी तशरीफ लैन इंशाल्लाह मैं थोड़े सामने हाजिर होया सिर्फ कारी साहब थोड़ी देर तो बाद पाँच सात मिनट आ जा सक इतनी देर इंशाल्लाह नाते मुबारक पेश कर सा तमाम अहबाब दा तह दिल दे नाल मशकूर हाँ अल्लाह ताला सारिया का आना बैठना पढ़ना सुनना अपनी बारगाह दे विच कबूल फरमाए बावाज़े बुलंद दरूदो सलाम सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद जिक्र नबी बुलंद है जिक्र खुदा के बाद सुभान अल्लाह नामे नबी शाने नबी शाने नबी बुलंद है शाने खुदा के बाद
और दुनिया में एतराम के काबिल है सब ही लोग। मैं सब को मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद, क्योंकि अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। जंदा जग परवानाए सुभान अल्लाह, जंदा जग परवानाए, जंदा जग परवानाए, बाबा जहरा दा हसनैन दाना नाए, बाबाए जहरा दा हसनैन दाना नाए। सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हाँ उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने दे। सारे उन्हें मंगते बैठे मिल के पढ़ो, उनका मंगता जो मंगता नहीं होने ते, बस उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता जो मंगता पर्दा पोशी। मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मुझको महताज किसी का को मोटा किसी का नहीं होने देते। उनका मंगता अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, अपने मंगतों
मुझे मुझको मोहता मुझको मोहता मुझको मोहता जे किसी का जो मंगता नहीं होने देते मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी अरे मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते मेरे जुर्मों नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे तहकीक हक जार यार हुन सज्जाद बुलंद करना नारे हैदरी चूंकि हजूर सैयद शेख अल इस्लाम आप दी विलादत भी है वो महीना और मौला कायनात आप दी विलादत दो अशार मौला कायनात आप दी मनकबत दे हाँ सुभान अल्लाह अली के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है निगाहें फिक्र को ताजा शोर मिलता है और मैं उस अली का जिक्र करता हूँ जिस अली का मोहम्मद से खून मिलता है जिस अली का मोहम्मद से खून मिलता है कोई फिर हरम में थोड़े थोड़े करीब आ जाओ ताकि पीछे जगह आना थोड़े करीब आ जाओ इंशाल्लाह आने वाले तमाम माँ बाप दिन की अथाह गहराइयों के नाल खुश आमदे दाखते हैं दो अशार मौला कायनात दे नाल आप दी मनकबत दे तुसी सारे जानते हो मौला कायनात आप दी विलादत खाना काबा दे अंदर हुई आको सुभान अल्लाह उसी हवाले दे नाल के कोई फिर हरम में पैदा ना हुआ ना है फिर हरम में पैदा ना हुआ ना है ना होगा कोई फिर हरम में ऐसा कोई फिर हरम में पैदा ना हुआ सियाक दिया बाखुदा अली सा बंदा सुभान अल्लाह आका करीम सल्लम ने मौला कायनात हाथ नप के फरमाया मन कुन तो मौला फाजा अली उन मौला फिर असी क्यों ना किए कि बाखुदा अली सा बंदा ना हुआ साबंदा एक दफा सजात मैं तुहाडे कोल चवाउणा इंशाल्लाह गवाही लेनी है कि बाखुदा अली साबंदा ना हुआ ना है ना होगा बाखुदा अली साबंदा और हुण जिहड़ा शेर है इहदा भी कोई जवाब नहीं के दूला खुदा
के घर का दुल्हन नबी के घर की। हुजूर सैयदी शेख उल इस्लाम फरमाते हैं, मैं ना बड़ा सोचता रहा कि मौला कायनात की विलादत काबिज क्यों हुई है, कोई और जगह भी हो सकती है। आप फरमाते हैं मैं बड़ी तहकीक की थी, बिलाखर मैं इस नतीजे तक पहुंचा कि रब चाहता ही कि बेटी मुस्तफा दे घर दी होवे ते लड़का खुदा दे घर दा होवे। सुभान अल्लाह। शायर की लिखदा के दूल्हा खुदा के घर का दुल्हन नबी के घर की। दुनिया में ऐसा रिश्ता, सुभान अल्लाह, दुनिया में ऐसा रिश्ता ना हुआ ना है ना होगा। दुनिया में ऐसा रिश्ता ना हुआ ना है ना होगा। बखुदा सदियों के इंतजार ने ऐसा सिला दिया, सदियों के इंतजार ने ऐसा सिला दिया, दोनों जहां का सर मेरी जानिब झुका दिया। तेरा रजब को बोला अली से खुदा का घर कि किबिला मुझे तो आपने काबा बना दिया, किबिला मुझे तो आपने काबा बना दिया। दूल्हा खुदा के घर का दुल्हन नबी के घर की। अरे दुनिया में ऐसा रिश्ता अगर कदाई है या हो सकता तो फिर तो चुप रहना, अगर नहीं तो फिर जरा इजहार करना। दुनिया में ऐसा रिश्ता ना हुआ ना है ना होगा। दुनिया रिश्ता माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। दूल्हा खुदा के घर का तो दुल्हन नबी के घर की, दूल्हा खुदा के घर का दुल्हन नबी के घर की। दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता न हुआ न है न होगा। माशाल्लाह सुल्ताना मंसूरी साहब बड़े ही प्यारे अंदाज में नज़राने अकीदत बहुजूर सर्वे कायनात और बारगाह मौला अली में पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। अब मैं जिस शख्सियत को दावत नात दे रहा हूँ, ये कोई आम शख्सियत नहीं, इन्होंने पूरे मुल्क में बल्कि मुल्क से बाहर भी पीर तरीकत राबर शरीयत अलहाज अल हजरत साहबजादा मोहम्मद मतलूब रसूल साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपके साथ आपकी सदारत में होने वाली महाफल में आपने नातें पढ़ी, बल्कि किबल हजरत साहब से जब टाइम लिया जाता, मैंने कई दफ़ा टाइम लिया महफल के लिए, तो आपने फरमाया कारी साहब होंगे, तो मैंने फिर ये फ़र्ज कर लिया कि जब भी कहीं कोई महफल होती, कोई किबला हजरत साहब का टाइम लेता, तो मैं साथ उन्हें कारी साहब का टाइम लाजमी लेने को कहता। और इस पूरे घर पर किबला हजरत साहब का बड़ा करम है। इनके वालिद साहब फरमाते हैं कि मेरे पांच बेटे थे, मैंने पांचों के पांचों किबला हजरत साहब के दरस में दाखिल करवाए, और अल्लाह ताला ने दीनी और दुनियावी हवाले से वो रंग लगाया कि आज इनका अल्लाह ताला का इन पर बड़ा करम है। और इनके एक भाई, उनका बिजनेस है हालांकि दुबई में,
लेकिन इसके बावजूद भी वो उस चीज को याद रखे हुए हैं कि जब मेराज की रात आती है तो मेराज शरीफ वाली रात लिल्ला शरीफ वाले बर्तन धोते हैं। मैं दावत दे रहा हूं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आस्थाना अली लिल्ला शरीफ के दरबारी सना खान जनाब कारी मोहम्मद इकराम नक्शबंदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज दी अजीम शान और बाबरकत महफल मुनाकिद करन ते मुबारकबाद पेश करदा जनाब सुल्तान सरवरी साहब और जुमला उन्होंने दोस्त अहबाब जिन्हें खूबसूरत बजम सजाई है और सब तो मुबारकबाद ज्यादा धन पेश करदा कि जिन्हें हुजूर दे जिक्र वास्ते इतना टाइम काट के था इकट्ठे होए हो। अल्लाह पाक द्वारा आना मिल बैठना पढ़ना सुनना सुनाना अपनी बारगाह आलिया विच कबूल फरमाए और इस महफल के तवस्सुल और तसद्दुक के नाल थोड़े सारे ते अल्लाह ताला अपना करम फरमाए मेहरबानी फरमाए। सरफराज साहब जो कोई दिन दस रहा है मैं उसका थोड़े जे तर्जमा ही कर देना। मैं इस करम के कहाँ था काबल हुजूर की बंदा परवरी है। अल्लाह ताला दी ये मेहरबानी है कि उन्हें अपने नेकां दे संग रलाया। लोग फख्र कर दें कि सफलां चौधरी दना बंदूक चाक टुर दिया लेकिन मैं फख्र करदा कि मैं उस दरगाह दा खादम हाँ जिथे बड़े बड़े चौधरी भी चौक आउंदे ने जी। सारे हज़रात दुरूशी दे नजराना बावाज़े बुलंद हुजूर दी बारगाह दे अंदर इस अकीदत और मुहब्बत दे नाल पेश करो कि साडा पढ़ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बारगाह विच कबूल फरमा लैन और सुनते भी पैन जी। कोई जुबान खामोश न रहे। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या या रसूल अल्लाह पढ़ लो वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। महफिल सजाए बैठे हैं जून के जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं। खुदा गवाह है जमाने पे छाए बैठे हैं। खुदा गवाह है जमाने पे छाए बैठे हैं। नसीर हम कोई बात नहीं करम है उनका तो अपना बनाए बैठे हैं। करम है उनका तो अपना बनाए बैठे हैं। दावा यार दीवाने दा हसनैन दनाने दा जोड़े
विखासानो हसनैन दनाने दा नदी हुब दिन सुकनी नदी हुब दी न सुकनी हशरे दे दिन माया गल तेरे ते मुकनी हाँ जदों सा खरी हो आमीन आखनी जदों मिसरा मुकम्मल होवे जदों सा आखरी होवे मदीने दी गली होवे जदों सा आखरी होवे मदीने दी गली होवे नबी दी पाक जो खटते नबी दी पाक जो खटते खत्म ए दिलदगी होवे नबी दी पाक जो खटते खत्म ए होवे गुनागारा सियागारा मदीने दा तलबगारा गुनागारा सियागारा मदीने दा तलब गारा नबी दे शहर विच शाला कबर मेरी बनी होवे नबी दे शहर विच शाला कबर मेरी बनी खिचनी मैनू वक्ते नजा सोना करा दे दीद अपनी फिर होवे के सखी हसने नेवे होवे सखी हसने नेवे होवे मेरा मौला अली होवे सखी हसने नबी होवे मेरा मौला अली होवे जदों सा आखरी होवे मदीने होवे एक दफा दुरूशी सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या रास्ता छोड़ दे थोड़ा नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक आस्ताना लिया लिल्ला शरीफ
नात पेश करने आज दो तीन शेर पढ़ के इंशाल्लाह इजाजत। तेरे होते तेरे होते जन्म लिया फिर कभी तो तुझे मिला होता फिर कभी तो तुझे मिला होता मिलके पढ़ लो ना फिर कभी तो तुझे मिला उम्मत में बह गया होता गम में उम्मत में बह गया होता तू तो आता मेरे जनाजे पर मर गया होता तेरे होते मैं मर गया होता और होता ताहिर तेरे गुलामों में होता ताहिर तेरे दरबार में खड़ा होता तेरे दरबार में खड़ा होता तेरे होते जन्म लिया होता। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خدایا تیرے راز انسان کی سمجھے تیرے ناز و انداز ناداں کی سمجھے تو پتھر جو چشمے چلا جان دائیں تے دریا نو صحرا بنا جان دائیں पैगंबर दी बोली लवा जान दाएं ते शहवां नू दर दर पिना जान दाएं पैगंबर दी चिखा जला जान दाएं ते करबल दा महशर सजा जान दाएं खुदाया तेरे राज इंसान की समझे तेरे नाज अंदाज नादां की समझे मैं अपने अजीम कायद के अजीम रूहानी फरजंद आपकी खिदमत में दावत पेश करने से पहले हमारे भाई मोहतरम सुल्तान अहमद सरवरी कादरी साहब जिन्होंने जश्न मौलूद काबा का एहतमाम फरमाया मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ पीर तरीकत रहबर शरीयत हुजूर पीर मोहम्मद नईम रसूल साहिब आस्तान आलिया
आला हजरत लिल्लाही लिल्ला शरीफ आप महफिल की रौनक बने। आपने हमें शर्फ़े दीदार बख्शा। मोहतरम मलक ज़हीर अहमद आवान साहिब ब्यूरो चीफ रोजनामा औसाफ और नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ आप भी महफिल में तशरीफ लाए। आज की ये जो महफिल है इसका नाम है जश्न मौलूद काबा। उससे मुराद कोई और नहीं अली शेर खुदा है। आप जानते हैं कि अली का माना होता है बुलंद, पता है सबको। ये जश्न है और जश्न का माहौल पैदा करें। किबला का जब खिताब होगा तो इंशाल्लाह ये फिजाएं भी अली अली के नारों से गूंजेंगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। अली का माना क्या होता है? बुलंद। जहां पर अली आए उसे कहते हैं काबा। काबा का माना भी होता है बुलंद। जिसने दुनिया में आने के बाद सबसे पहले अपने हाथों पर उठाया उसे कहते हैं मोहम्मद, और मोहम्मद का भी माना होता है सबसे बुलंद। अली का नाम भी बुलंद, जिस जगह पर आए उसका माना भी बुलंद। जहां पर अली दफन है उसे कहते हैं नजफ। नजफ का माना भी होता है बुलंद। और खुदा की इज्जत की कसम जो अली का जिक्र करता है, मेरे मुस्तफा ने फरमाया जिक्र अली भी उस करने वाले को कर देता है बुलंद। किसी ने कहा ना कि मैं जिक्र मुर्तजा से लज्जत इरफान लेता हूं। बोला कासमी साहब, मैं जिक्र मुर्तजा से लज्जत इरफान लेता हूं, जिक्र अली का करता हूं खुश रब होता है। नाम अली का लेता हूं राजी खुदा होता है। तराने अली का पढ़ता हूं रहमत रब की नाजिल होती है। जिक्र अली का करता हूं मारफत रब की मिलती है। पता नहीं ये क्या रिश्ता है अली का और खुदा का। मैं जिक्र मुर्तजा से लज्जत इरफान लेता हूं और नजर की कैफियत हर एक पल में जान लेता हूं। दिले मोमिन मचलता है अली के नाम से। मोमिन के दिल मचलता है कि नहीं मचलता? शायर कहता है दिले मोमिन मचलता है, मुनाफिक खूब जलता है, अली के जिक्र से खोटे खरे पहचान लेता है। दिले मोमिन मचलता है, मुनाफिक खूब जलता है, अली के जिक्र से खोटे खरे पहचान लेता है। और अली के जिक्र से जलते हो तुम तो यूं ही सही। अली के जिक्र से जलते हो तुम तो यूं ही सही, कदम कदम पे मैं अली के गीत गाऊंगा। तू जलता है तो जलता रहे, तू जितना चलेगा मैं इतना अली अली करूंगा, क्योंकि मुस्तफा ने फरमाया अली अली करने से खुदा मिलता है। ये मुस्तफा का फरमान है। ताजदारे कायनात ने फरमाया अली का देखना इबादत, अली का जिक्र इबादत, अली को सोचना इबादत। जिसने अली अली किया वो बुलंद हुआ, जिसने अली से बुग्ज रखा उसका नाम आज गाली बन चुका। अली के नाम से जलते हो तुम तो यूं ही सही, कदम कदम पे अली के मैं गीत गाऊंगा। और खुदा तो हश्र में दोजख में तुमको डालेगा, खुदा तो हश्र में दोजख में तुमको डालेगा।
मैं अली अली से यहीं पर तुम्हें जलाऊंगा। दोबारा सुनिए, अली के नाम से जलते हो तुम तो यूं ही सही, कदम कदम पे अली के मैं गीत गाऊंगा। खुदा तो हश्र में दोजख में तुमको डालेगा, मैं अली अली से यहीं पर तुम्हें जलाऊंगा। बस एक मिसाल, ताईदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली अल्लाह ने छह फजीलतें पैदा फरमाई। कितनी? छह। आका ने फरमाया, अली तीन तुझे अता फरमाई और तीन मुझे अता फरमाई। और फिर मुस्तफा करीम ने फरमाया मलक ज़हीर साहब कि अली जो अल्लाह ने तीन फजीलतें मुझे अता फरमाई उनमें तुझे बराबर का शरीक रखा है, उनमें तुझे बराबर का शरीक रखा है। और अली जो अल्लाह ने तुझे अता फरमाई है वो मैं मोहम्मद को भी नहीं अता फरमा। अली पाक मुस्तफा करीम के कदमों पे हाथ रखते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह आपकी उंगली के एक इशारे पर पांव में जूता भी न पहनने वाला अली, आपके नाम पर गर्दन कटवाने वाला अली। या रसूलल्लाह पहले बताइए, अल्लाह ने जो आपको तीन फजीलतें अता फरमाई और उनमें मुझे शरीक रखा वो कौन कौन सी है? आका ने फरमाया, पहली फजीलत अली अल्लाह ने मुझे कौसर अता फरमाई है और साकी ये कौसर तू है। अल्लाह ने मुझे अलम अता फरमाया है और उस अलम का अलम बरदार तू है। अल्लाह ने मुझे जन्नत और दोजख का मालिक बनाया है और जन्नत और दोजख को तकसीम करने वाला तू है। या रसूलल्लाह अब बताइए, जो मुझे तीन फजीलतें मिली हैं जो आपको भी नहीं मिली, अल्लाह ने सलाम ने फरमाया, अली वो मुझे ही नहीं अल्लाह ने जो तुझे तीन फजीलतें दी हैं वो किसी नबी को भी नहीं। अब सहाबा का बहुत बड़ा मजमा है, सहाबा हैरान है, या रसूलल्लाह वो कौन सी है? अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अली तेरी पहली फजीलत ये है अल्लाह ने जो तुझे सुसर अता फरमाया है वो मैं मोहम्मद को भी नहीं अता फरमाया। ये इसमें तू यकता है। दूसरी फजीलत, अल्लाह ने जैसी बीवी तुझे अता फरमाई है मैं मोहम्मद को भी अता नहीं फरमाई। और तीसरी फजीलत, जिसमें अली तू यकता है कायनात में, अल्लाह ने जैसी औलाद तुझे अता फरमाई है अव्वले कायनात से लेकर आखिरे कायनात तक अल्लाह ने किसी नबी को भी ऐसी औलाद नहीं अता। अली के नाम से जलते हो तुम तो यूं ही सही, कदम कदम पे अली के मैं गीत गाऊंगा। खुदा तो हश्र में दोजख में तुमको डालेगा, अली अली से यहीं पर मैं तुम्हें जलाऊंगा। बिला ताखीर दावत खिताब देता हूं, परवरदाए हुजूर शेखुल इस्लाम फैज याफ्ता हुजूर शेखुल इस्लाम तरबियत याफ्ता हुजूर शेखुल इस्लाम अक्से जमाले हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम अल्लामा प्रोफेसर मुजद्ददे रवासदी डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, मेरी मुराद अल्लामा प्रोफेसर अदनान वहीद कासमी साहेब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल हय्यिल कय्यूमिर रहमान अजीमिल कुदरति वस सुल्तान जलीलिल कदरि वल बुरहान हाशिरिल जिन्नि वल इंसान
خالق الكون والمکان والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قائد الخر المحجلین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم الامین. لی خمسة اطفی بها حر الوباء الحاتمة المصطفی والمرتضی وبناهما والفاطمة حیدریم قلندر مستم بندہِ مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیرِ یزدانم. پیرِ طریقت رہبرِ شریعت پروردہِ آغوشِ ولایت حضرت قبلہ پروفیسر محمد نعیم الرسول صاحب دام ظلہ و مقامہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ اعلی حضرت للہ شریف محترم المقام زینت مسند عزت ملک توقیر آوان صاحب ملک ظہیر آوان صاحب صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب محترم حضرت علامہ غلام عباس انقلابی صاحب اور جتنے بھی قائدین تحریک منہاج القرآن کارکنان تحریک منہاج القرآن اور بالخصوص جملہ عاشقان مصطفیٰ و مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے آج کی شب پھر ہمیں کشتی نوح میں جگہ عطا فرمائی ہے. آج کی یہ روحانی وجدانی اور پرکیف محفل پاک منصوب ہے جشن مولود کعبہ. اور ایک بات یاد رکھیے ہوتا ہے نا یہ نہ سنا جاتا ہے نہ سنایا جاتا ہے جشن منایا جاتا ہے. اور تھوڑا مسکرا کے سبحان اللہ بولے آپ تھوڑے تھوڑے اگر آگے ہو جائے تو گرمی تو نہیں ہے تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائے درمیان میں بھی جگہ خالی ہے یہ گیپ پورا ہو جائے بعد میں آنے والے پھر انہیں جگہ مل جائے تھوڑا آپ تشریف آگے لے آئے تاکہ ایک ماحول بن جائے. سلطان بھائی ادھر آ نعرہ تکبیر تھوڑا مسکرا کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستانہ عالیہ للہ شریف. ایک بنیادی بات یاد رکھیے کہ عزت کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے. توجہ میری طرف رکھیے بس عزت
अजमत और रुतबे का मरकज जाते मुस्तफा है। अब जो जो इस जात से जुड़ता जाता है अल्लाह उसे भी इज्जत अता करता चला जाता। जो जुड़ा वो सर बुलंद हुआ। अबू बकर जुड़े सिद्दीक अकबर बन गए। थोड़ा बोलना मेरे साथ जरा। उमर जुड़े फारूक आजम बने। उस्मान जुड़े जुल्लुरैन बने। अली जुड़े अल्लाह ने वैसे ही अली कर दिया। जो जितना जुड़ा वो उतना सर बुलंद हुआ। वैसे तो पूरी जमाते सहाबा लाजवाब है। बोलना मेरे साथ यार, सारी जमाते सहाबा लाजवाब है। मगर आज मैं जिक्र उसका करने लगा हूं जिसका आना भी लाजवाब है, जिसका जाना भी लाजवाब है। मैं किबला पहले जुमले से जश्न का आगाज करने लगा हूं। अली किस जात का नाम है? खुदा की इज्जत की कसम, अली उसे कहते हैं जो दुनिया में आने के लिए कम अज कम काबा पसंद करे। अली आया काबे में। बस लोग कहते नहीं जी अली काबे में नहीं आया। कोई बात नहीं, इसमें झगड़ने वाली बात ही नहीं। और एक बात याद रखे, वो काबे में ना आता वो तब भी अली था। अली काबे में आया। ये एजाज अली का नहीं कि वो काबे में आया, ये एजाज काबे का है कि उसमें अली आया है। अच्छा जहां मैं बैठा हूं काबा किधर है? अच्छा सामने। चलो बात समझाना आसान हो गई। काबा है सामने। अब आपने तवज्जो रख लिया ताकि कोई बात मैं आपको थोड़े वक्त में ज्यादा बात समझा सकूं। काबा है अच्छा आपके सामने है ना जी, ठीक है। चलो और आसान हो गया। काबा हमारा किबला है। इसकी हैसियत यह है कि अगर काबे से रुख फिरे नमाज नहीं रहती। तवज्जो चाहूंगा, काबे से रुख फिरे नमाज नहीं रहती। भाई आप नमाज में बैठे या तहियात बैठे, यौमा यकूमुल हिसाब तक पढ़ लिया, मौला उठ जाऊं नमाज पूरी हो गई। वो फरमाता है पहले रुख फेर। रुख फेर, बंदा रुख फेरे तो नमाज से निकलता है। अब जुमला दिल पे लिखिएगा, काबे से रुख फिरे नमाज नहीं रहती। अल्लाह ने अली को काबे में पैदा करके जमाने को बताया है काबे से रुख फिरे नमाज नहीं रहती, अली से रुख फिरे ईमान नहीं रहता। अली से रुख फिरे ईमान नहीं रहता। अच्छा रावी बड़ा तगड़ा है, जिसने ये रिवायत बयान की है मैं अहले सुन्नत की किताबों का जिम्मेदार हूं। रावी बड़ा तगड़ा है। रावी कौन है? अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। हाय हाय हाय, रावी फरमाते मैं हरम में बैठा था कि अबू तालिब का हरम हरम में आया। चलो जिन्हें समझ आ रही है, जनाबे फातिमा बिनती असद हरम में आई। लोग तवाफ कर रहे थे। क्या कर रहे थे बोलिए जरा। बीबी ने भी तवाफ शुरू कर दिया, पहला चक्कर, दूसरा, तीसरा, चौथा चक्कर शुरू हुआ। किबला किताबों में ये लफ्ज लिखा है
कि बीबी ने चौथे चक्कर में दर्द महसूस किया, मगर मैं इस लफ्ज से इत्तफाक नहीं करता, हमारी मवद्दत इस लफ्ज को तस्लीम नहीं करती। वजह, और जो अली गुलामों के दर्द दूर करता है वह मां को दर्द होने देगा नहीं। बीबी ने महसूस किया कायनात का मौला कायनात में आना चाहता है। अब किताब के लफ्ज है, बीबी ने हाथ दीवारे काबा पे रखी और लफ्ज क्या कहे, अल्लाहुम्मा बिहक्की हाजल मौलूद अल्लज़ी फी बतनी, मौला तुझे उस मौलूद का वास्ता जो मेरे बतन में है अपनी रहमत फरमा करम फरमा। अब्दुल्ला इब्ने हजरत अब्बास कहते हैं इतने लफ्ज कहने थे, जहां हाथ रखे वहीं से दीवार शाक हो गई, दीवार दराड़ आई। कितनी दराड़, वैसे तो ये दराड़ लफ्ज अच्छा नहीं है, ये बिगाड़ के लिए इस्तेमाल होता है, मगर जो दराड़ दीवारे काबा में आई है ना, ये बिगाड़ के लिए नहीं आई, ये अली और अल्लाह के प्यार के लिए आई है। दराड़ खुली, इतना शगाफ हुआ, इतना शगाफ हुआ। अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब फरमाती है बीबी ने कदम उठाया और काबे में दाखिल हो गई। अल्लाह, बीबी काबे के अंदर, दीवार बंद, थोड़ा ऊंचा बोलो यार, और थोड़ा ऊंचा बोलिए, और ऊंचा बोलो जरा, अली का जिक्र है जरा खुल के बोलो, बीबी अल्लाह दीवार। मैं अल्लाह की बारगाह में एक सवाल करूं, मौला इतनी कीमती दीवार है, हाजी 15 लाख लगा के जाता है कि मैं उस दीवार को चूमूं, अल्लाह आपको भी नसीब करे, हाजी 15 लाख लगा के जाता है कि मैं उस दीवार को चूमूं, मौला जिसके लिए बंदे तड़पते हैं उसे चूमूं, उसे चूमूं, उसे चूमूं, तूने वही तोड़ दी। सात दरवाजा है, दरवाजे पे ताला है और चाबी जनाबे अबू तालिब के पास, तो हुक्म करता चाबी आ जाती, बीबी अंदर जाती, अली पैदा हो जाते। आपकी तवज्जो नहीं है सुल्तान साहब, परेशान ना हूं मैं, समेटने लगा मैं बात, आपने मुझे सुनना, मैं आपके लिए आया हूं, आप उधर देखते हैं सारे उधर देखते हैं, अब छोड़ दे, तवज्जो रखिए। दरवाजे पे ताला है, ताले की चाबी किसके पास है, तो हुक्म करता चाबी आ जाती, अली पैदा हो जाते, फरमान नहीं दीवार तोड़ना जरूरी है। बड़ी लतीफ वजारत करने लगा उधर, दीवार तोड़ना जरूरी है, मौला दरवाजा भी है, पर मैं दरवाजा नहीं दीवार तोड़ना जरूरी है, दरवाजा नहीं दीवार तोड़ना जरूरी है, दरवाजा नहीं दीवार तोड़ना जरूरी है, मौला वजह फरमाया गौर कर, आने वाला खुद दरवाजा है। आना मदीना तुल इल्म वाली बाबूहा, आने वाला खुद दरवाजा है, और दरवाजा दरवाजे में नहीं आता, दरवाजा दीवार में आया करता। अहले सुन्नत किताबों में लिखा है 3 दिन, कितने दिन, अली और अली की मां मेहमान बने और काबे का मालिक खुद अल्लाह मेजबान बना, 3 दिन, ये मेहमान वो मेजबान। और मलक साहब दुआ दीजिएगा इस लफ्ज़ पे किबला, वो रसूल जो कुरान लेने कहीं नहीं जाते वो अली लेने काबे चले आए हैं। हाय 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 हाय, वो रसूल जो कुरान लेने कभी कहीं नहीं गए वो अली लेने काबे चले आए।
दरवाजा खोला, सलाम किया। चाची जनाब फातिमा बिनती असद ने जवाब दिया, कहा चाची मेरा भाई मुझे दीजिए। हाय हाय हाय, कायनात की मोहब्बतें सिमट आई हैं इस एक जुमले के अंदर। लोग तो समझते हैं ना सिर्फ मवाखात पे भाई कहा। आपको पता है जब हिजरत मदीना हुई ना, हुजूर ने मवाखात की, मवाखात की। एक मुहाजर का हाथ पकड़ा, एक अंसार का पकड़ा, दोनों मिला के कहा तुम भाई भाई हो, तुम भाई भाई, तुम भाई भाई, तुम भाई भाई, ये उसका भाई, ये उसका भाई, ये उसका भाई, ये उसका भाई, सबको भाई भाई बनाया, अली को नहीं बनाया। एक साहबी ने देखा मौला कायनात हजरत अली एक नुक्कर में खड़े होके रो रहे हैं, बाजू से पकड़ा हुजूर की बारगाह में ले आया, यार रसूल अली रो रहे। फरमाली क्यों रोते हो? अर्ज की हुजूर आपने सबको सबका भाई भाई बनाया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। सरकार ने मुस्कुरा के जुमला सुनिएगा किबला इनकलाबी साहब, सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया अली सुन, इनका फैसला फर्श पे मुस्तफा कर रहा था, तेरा फैसला अर्श पे खुदा कर रहा। फरमाया इनका फैसला फर्श पे मैं कर रहा हूं, तेरा फैसला अर्श पे वो कर रहा है। अच्छा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मेरा फैसला क्या हुआ? अब सरकार ने मुस्कुरा के इशारा किया, तर्जुमा आपको आता है, जिसे समझ आए बोलना जरूर है। इशारा करके कहा अंत अखी फिर दुनिया वल्ला आखिरा। फरमाया ली सुन, तू दुनिया में भी भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई। अच्छा इसमें एक लतीफ लफ्ज है, आपने कुरान हकीम में आया कयामत के दिन सारे रिश्ते टूट जाएंगे। बेटा बाप से भागेगा, बाप बेटे से भागेगा, बेटी माँ से भागेगी, माँ बेटी से भागेगी, भाई भाई से भागेगा। सरकार ने लफ्ज बोला फिर दुनिया वल आखिरा। फरमाया जिस दिन सारे भाई भाई दौड़ेंगे ना, उस वक्त भी मैं तेरा भाई हूंगा, तू मेरा भाई हो। अल्ता अखी फिर दुनिया वल आखिरा, सिर्फ दुनिया नहीं अली तेरा हाथ आखिरत भी मेरे हाथ में हो। चाची मेरा भाई, थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा के बोलो यार, मेरा भाई मुझे दो। चाची के चेहरे पे परेशानी भी थी, खुशी भी थी। कहा चाची खुशी समझ आती है, परेशानी क्यों? कहा खुश इसलिए हूं लाल बड़ा प्यारा है। यार बताओ जवानों, जिसने अली के हुसन पे नहीं बोलना उसने कब बोलना है? खुश इसलिए हूं लाल बड़ा प्यारा है, और परेशान इसलिए हूं तीन दिन हो गए आंखें नहीं खोली। अच्छा लाइए मुझे मेरा भाई दीजिए। अब मैं कोशिश करता हूं वो मंजर आपके सामने लफ्जों में रख सकूं। मुस्तफा के हाथों पर मुर्तजा आए, मंदे सुल्तान भाई थोड़े बोले हैं, चलो मैं लफ्ज बदल देता हूं, नबी के हाथों पर अली आए। चले मैं लफ्ज बदल देता हूं, जहरा के बाबा के हाथों पर जहरा के शोहर आए। चलो इससे बड़ा लफ्ज मेरे पास नहीं, यदुल्ला पर असदुल्ला आया। और मेरा विजदान कह रहा है मुस्तफा के हाथों पर मुर्तजा यूं लग रहा था जैसे नबूवत की रेहल में विलायत का कुरान रखा है। सरकार ने उठाया, अली ने महसूस किया अब हाथ बदल गए हैं। हाय हाय हाय, अली ने लमसे मुस्तफा को महसूस करके अंदाजा लगाया अब हाथ बदल गए हैं। बल्कि मैं यूं कहूं, आंखें बंद रखने वाले अली ने जान लिया अब वो आया है जिसके लिए मैं आया हूं।
अब वो आया जिसके लिए मैं आया हूं। तीन दिन आंखें बंद रखने वाले अली ने आंखें खोल दी और पहली नजर वद्दुहा पे डाली है। पहली नजर सरकार के चेहरे अली ने नबी को देखा। यार कितना बड़ा सहाबी है अली, कितना बड़ा मुसलमान है। घर जाके सोचिएगा, आया बैतुल्ला में है। हाय हाय हाय, ला इलाहा इल्लल्लाह के घर में आया है और पहली नजर मोहम्मद रसूलुल्लाह पे डाली। इस्लाम के मरकज में आया, ईमान के मरकज में उठाया। बच्चा पैदा हो तो उसे गुटी दी जाती है, गुटी उर्दू में गुटी कहते हैं और यहां क्या कहते हैं पंजाबी में, गुटी कहते हैं, गुटी दी जाती है। अच्छा आमतौर पे हम बच्चे को गुटी देते हैं किससे, शहद से। लोग किबला पीर साहब के पास भी ले आते होंगे, हुजूर आप गुटी दे दें। याद रखे अली मानने में गुटी का बड़ा किरदार है, अली को मानने में गुटी का बड़ा किरदार होता है। लोग गुटी दिलवाते हैं, सरकार ने अली को गुटी दी। आप थोड़ा बोले तो मैं अगला जुमला कहूं, सरकार ने अली को गुटी दी किससे, पानी से नहीं, जमजम से, शहद से, खजूर से, अजवा से, अंबर से नहीं, लुआब से नहीं। अगला जुमला सुनना, लुआब से भी नहीं, सरकार ने अपनी जुबान अली के मुंह में डाल दी। लुआब मकसूद होता तो जुबान डालने की जरूरत नहीं, जुबान अली के मुंह में। यार इसे बड़ा अली का जश्न क्या होगा कि मुस्तफा की जुबान अली के मुंह में। बोलो बोलो हाथ खोल के, मुस्तफा की जुबान। और मैं इमाम अहले सुन्नत से पूछ लूं, इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रजा खान बरेलवी, हुजूर ये अली के मुंह में क्या है। मैं आला हजरत से पूछने लगा, आला हजरत से अशा अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हुजूर ये अली के मुंह में क्या है। बरेली से आवाज आती है, वो जुबान वो जो अली के मुंह में है वो जुबान। मैंने कहा जी हुजूर ये जुबान की खासियत क्या है, फरमाते वो जुबान जिसको सब कुन की कुलजी कहे। हाय हाय हाय, वो जुबान जिसको सब कुन की कुलजी कहे। तो मुझे कहने दो, ये जो कुन की कुंजी है ना, अली ने पहले दिन वही चूसी है। अच्छा कमाल ये हुजूर इनकलाबी साहब, सिर्फ अली नहीं, सिर्फ अली नहीं, जहरा पाक आई, जहरा के मुंह में नबी की जुबान। अब मैं क्या करूं, अली पैदा हुए अली के मुंह में नबी की जुबान, जहरा आई जहरा के मुंह में नबी की जुबान, हसन आए हसन के मुंह में नबी की जुबान, हुसैन आए हुसैन के मुंह में नबी की जुबान। यार हद हो गई, चारों अली के मुंह में नबी की जुबान, जहरा के मुंह में नबी की जुबान, हसन के मुंह में नबी की जुबान, हुसैन के मुंह में नबी की जुबान। हुजूर जो बात मुझे समझ आई है ना, चारों के मुंह में अपनी जुबान देकर मुस्तफा ने बता दिया, खबरदार हम देखने में पांच है जुबान एक रखते हैं। देखने में पांच जुबानें
रखते हैं। अच्छा एक बात और समझ आ रही है, अली पाक के मुंह में नबी की जुबान, जहरा पाक के मुंह में नबी की जुबान, हसन के मुंह में नबी की जुबान, हुसैन के मुंह में नबी की जुबान। अगले लफ्ज दिल पे लिखिएगा, लोहे दिल खोल के रखे। मैं जुमला अर्ज करने लगा हूं, चारों के मुंह में अपनी जुबान देकर हुजूर ने कयामत तक आने वाले मौलवियों को खबरदार कर दिया, खबरदार जिन्हें मैं जुबान दू उन पे जुबान नहीं चलानी। अली काबे में आया तो अली है, सरकार ने उठाया जुबान मुंह में डाली। आओ इस जुबान और लुआब की तासीर की है। जामिया मस्जिद कूफा है, मौला अली मिंबर पे है। थोड़ा थोड़ा हाथ उठा के बोल दे यार, मिंबर पे है। इधर से एक बंदे ने सवाल किया, अली ने जवाब दिया, इधर से सवाल किया, अली ने जवाब दिया। बंदे सवाल करते जा रहे हैं, अली जवाब। एक बंदा सामने बैठा था, वो वहां से खड़ा हुआ, हाथ जोड़ के कहता या अली एक सवाल कर लो। अमीरुल मोमिनीन फरमाया करो। कहने लगा ये बताएं इतना इल्म कहां से, एक बात याद रखे, मौला अली की दो शाने ऐसी हैं, अपने तो अपने, जो अली को नहीं ना मानते वो भी दो शाने जरूर मानते, जो अली को नहीं मानते दो शाने वो ये भी मानती है। कौन सी, जमाना जानता है अली जैसा आलिम भी कोई नहीं है, अली जैसा बहादुर भी कोई नहीं, ये दो शाने सारे मानते हैं। आलिम सबसे बड़ा अली है, बहादुर। शिबली नुमानी ने लिखा बदर में 70 काफर मारे गए, 39 अकेले अली ने मारे हैं। मेरा मौजू अली की जरूरत नहीं है, आलिम सबसे बड़ा। मौला अली फरमाते कुरान में जितनी आयतें हैं ना, कोई एक आयत ऐसी नहीं जिसके बारे मुझे मालूम ना हो ये कहां उतरी। छोटी बात नहीं, अगर आप गौर करें एक आयत ऐसी नहीं मुझे बता ना हो कहां उतरी, क्यों उतरी, किसके लिए उतरी, किस वक्त उतरी। पस मंदर भी जानता हूं, स्याको सबाक भी जानता हूं, आयत उतरने का वक्त भी जानता हूं, आयत उतरने की वजह भी जानता हूं। इतना इल्म, आपके गुलाम है कंबर, कौन है जी ऊंचा बोलिए, मेरे पीर सियाल शेखुल इस्लाम हजरत कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मुझे ये ना कहो को कहा करो कि ये कमरुद्दीन सियालवी अली का गुलाम है, मुझे कंबर का गुलाम कहा करो। आए हाय हाय, फरमाते अली तो दूर की बात, अगर कंबर भी मुझे गुलामी में कबूल कर ले तो मेरे लिए यही काफी है। पीर सियाल फरमाया कर, क्या नाम था गुलाम का ऊंचा बोलिए। आपने अपने गुलाम के साथ एक दफा वादी नमल में गए, किस वादी में, नमल कहती है च्यूंटी को, कुरान में एक सूरत भी है सूरह नमल च्यूंटी के नाम पे। उस वादी को वादी नमल इसलिए कहा करते थे क्योंकि वहां च्यूंटियां बहुत थी। मौला अली जब साथ गए ना तो कंबर ने पहाड़ देखे, उस वादी में देखा कि स्याह रंग के हैबतनाक पहाड़ है, उनकी हैबत बड़ी है। कमर कहते हैं अमीरुल मोमिनीन ये कैसे पहाड़ है स्याह रंग के, इतनी हैबत।
मौला अली ने मुस्कुरा के फरमाया, कंबर ये पहाड़ स्याह नहीं है, इन पर चींटियां इतनी हैं कि पहाड़ स्याह नजर आ रहे, चींटियां इतनी है कि पहाड़ों की रंगत मगलूब हो गई, चींटियों का रंग गालिब आ गया। अब कंबर के लफ्ज सुनिएगा, कंबर कहते वाह मौला कितनी है वो पाक जात जो इतनी सारी चींटियों की तादाद जानती है। चलो मैं जुमला दोबारा कहता हूं ताकि हर बंदे की तवज्जो हो जाए। कमर कहती है या अमीरुल मोमिनीन कितनी है वो पाक जात जो इन चींटियों की तादाद जानती है। इतना कहना था, मौला अली ने कमर के हाथ कंधे पे हाथ रखा, फरमाया कमर ये लक है कितनी है वो पाक जात जो इनकी तादाद जानती है, बल्कि यू कह कितनी है वो पाक जात जिसने इन चींटियों को पैदा किया है, जिसने इन चींटियों को पैदा किया है। अरे तू तादाद की बात करता है, अली तो ये भी जानता है इनमें नर कितनी है इनमें मादा कितनी। इतना ही क्यों ना हो, मेरे नबी की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका बाजमात बोलिए, अली के जिक्र में आवाज निकले जाया नहीं होगी, बाजमात बोलो, अली उसका। अच्छा ये जो दरवाजा होता है इसकी तासीर क्या खासियत होती है, बस तवज्जो रखे, मैं करीब आ गया रिजल्ट की। ये दरवाजा है ना जी, दरवाजे की खूबी ये होती है बंदा गुजरता है, अंदर आना हो तो बंदा किस रास्ते आता है बोलो। अच्छा अगर कोई बंदा अंदर आना चाहे मगर दरवाजे का रास्ता पसंद ना करे, आना अंदर है दरवाजा उसे पसंद नहीं, वो अंदर आने के लिए कोई और जरिया इस्तेमाल करे, पिंड दादन खान में उसे क्या कहते हैं, चोर डाकू, चोर डाकू। अब हदीस पढ़, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, फरमाया जो मेरे तक आना चाहे मगर अली को पसंद न करे वो चोर तो हो सकता है मोमिन कभी नहीं हो सकता, ईमानदार कभी नहीं हो सकता। अच्छा दरवाजे की एक और खूबी है, ये दरवाजा है ना जी, हम सारे यहां आए किस रास्ते, ऊंचा बोलो। अच्छा ये सब अंदर एक दफा आए हैं, दरवाजे से दो मर्तबा गुजरेंगे, अंदर एक मर्तबा या दरवाजे से आते हुए भी जाते हुए भी। अब जो हुजूर की मंशा समझ आती है ना, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, मैं इल्म का शहर अली उसका दरवाजा, क्या मतलब, फरमाया जिसने मुझसे कुछ लेना है आते हुए भी अली को सलाम करे जाते हुए भी अली को सलाम। मेरे साथ एक जिम्मेदार आस्ताने के सजादा नशीन बैठे हैं और मेरे मुजद्दद पाक हजरत शेख मुजद्दद अल-फिसानी अश-शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह नक्शबंदियों के ताजदार, आपने मक्तूबात शरीफ में लिखा है कि कोई वली उस वक्त तक वली नहीं बनता जब तक मोहर अली की ना लगे, बोलो यार जरा, कोई वली उस वक्त तक वली नहीं जब तक मोहर। अब इस दरवाजे को समझो, अच्छा यहां सुबह सुबह बेकारी आती है जिन्हें हम फकीर कहते हैं, फकीर कहना नहीं चाहिए उन्हें क्योंकि जो मांगे वो फकीर नहीं, फकीर मांगता नहीं जी, बल्कि हुजूर मैं आपकी जलवा गरी है मैं फायदा उठाऊं, फकीर किसी से मांगता नहीं,
वो चाहे तो अपना मुसल्ला उठा के शक्कर निकाल ले। फकीर मांगता, सवाल ज्यादा ये बेकारी होती है, मांगत गदा कर ये बेकारी है। अच्छा यहां आती है आपके गांव में? बोलो, हमारे घरों में भी आती। अच्छा वो जब भिखारी आता है वो आके बेडरूम में सवाल करता है, किचन में सवाल करता है? नहीं। कहां कहां? बोलो, 2024 का भिखारी भी जानता है मांगा सिर्फ दरवाजे से जाता है। उसने किया सवाल, अब इनकलाबी साहब उसे जो मिलना है ना वो आना अंदर से ही है। आप उसे आटा दे अंदर से आएगा, रोटी दे अंदर से आएगी, पैसे दे अंदर से आए, मगर मांगेगा वो दरवाजे से। अब दरवाजा समझ आया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, मालिक मुस्तफा है बस बांटने पे अली को लगा रखा। अच्छा आजकल जदीद दौर है, दरवाजा समझना हो तो इस दौर की मिसाल दो। नहीं मैं एक और मिसाल बाबा जी और जावी है, आजकल इलेक्ट्रिक दरवाजे भी है, इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक। एक इलेक्ट्रिक दरवाजा किबला सिक्योरिटी के लिए लगा होता है, इसका काम ये है कि मशकूक बंदा गुजरे ये गुजरने नहीं देता। यार तुसी सारे खालस हो, तुसी दे बोलो ना जी। मशकूक बंदा गुजरे ये दरवाजा गुजरने, आज अब समझ आई अल्लाह ने अली को मुस्तफा का दरवाजा बनाया क्यों है, ताकि कोई बेईमान मुस्तफा तक जा ही ना सके। आना मदीनतुल व अलीयुम बाबू, मैं इल्म का शहर, अली उसका, मुस्तफा से लेना है तो अली के दर पे आओ। चलो मैं जो मुझे समझ आई है ना, खुदा से लेना है तो मुस्तफा के दर पे आओ। बोलो बोलो, अकीदे वाला बंदा बोले, खुदा से लेना है तो मुस्तफा के दर पे आओ, मुस्तफा से लेना है तो मुर्तदा के दर पे, और अगर मुर्तजा से लेना है। अब हर बंदा नजफ तो जा नहीं सकता, तो फिर अली ने ना छोटी छोटी फ्रेंचाइजीज बनाई है, हर इलाके में हर शहर में एक एक फ्रेंचाइज है। अब तवज्जो रखे तो मैं बात यहीं पे समेट दूं, एक फ्रेंचाइज अली ने पाक पतन में बनाई, एक अजमेर में बनाई, एक गोलड़े में बनाई, एक लाहौर में बनाई, और मुकद्दर पे नाज करो एक लिल्ला शरीफ में बनाई। अब मतलब क्या है, अरे जिसने जो नजफ नहीं जा सकता अली के दर पे जाने की ताकत नहीं, वो अली के इस गुलाम के पास आ जाए, देखने में गुलाम है, फैज सारा अली का चल रहा, देखने में गुलाम है, और एक अली का गुलाम आज भी लाहौर में है। थोड़ा ऊंचा बोलो यार। मैंने मौला अली की दो खूबियां ऐसी बयान की, ये दो खूबियां इकट्ठी नहीं होती, इल्म और जुर्रत। हजरत जानती है बड़े बड़े आलिम हैं मगर जुर्रत नहीं होती, और बड़े बड़े ललकारने वाले हैं मगर इल्म नहीं। हाय हाय, कुछ कह गया हूं यार मैं। इल्म है
जुर्रत नहीं, जुर्रत है इल्म नहीं। अब अगला जुमला दिल पे लिखिए, यही पे बात समेटने लगो, बेटा रुक जाओ, यही पे बात समेटने लगाओ। इल्म है जुर्रत नहीं, जुर्रत है इल्म नहीं। और अगर ये दोनों किसी जगह इकट्ठी नजर आए, समझ जाओ या खुद अली है या अली का गुलाम खड़ा है। या खुद अली या अली का गुलाम। मेरे हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, इल्म ऐसा 1500 किताबों का मुसन्निफ, हजार हा किताबों, और जुर्रत ऐसी जब ललकारे बड़े बड़े हुक्मरानों की टांगे कांपती। मेरे दोस्तों आओ, बुजदलों से क्या ताल्लुक रखना और जाहलों से क्या ताल्लुक रखना। ताल्लुक वहां बनाओ जो अली का गुलाम भी है, आलिम भी है और सबसे बड़ा बहादुर भी। अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और ये एक ऐलान सुन लीजिए, आपके इस गांव टोबा में मैं समझता हूं सबसे बड़े खुश नसीब आप लोग हैं, क्यों कि यहां बच्चियों के लिए जिन्हें हम घर से बाहर दूर भेज नहीं सकते, उन बच्चियों के लिए जो इल्म का शौक रखती हैं, वालदेन चाहती है हमारे बच्चे पढ़े मगर हम दूर नहीं भेज सकते, उनके लिए यहां जामिया सैयदा खदीजतुल कुबरा लिल बनात कायम कर दिया गया है, बच्चियों का मदरसा जिसमें 2 साल दर्स निजामी मैट्रिक पास तालिबात के लिए। अपनी बच्चियों को इस दर्स में दाखिल जरूर कीजिए, क्यों याद रखे ये जो बच्ची होती है ना, आज की बच्ची है कल की मां है। नेपोलियन ने कहा था कौम से कि तुम मुझे अच्छी माएं दो मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। बच्चियां अगर आज पढ़ी लिखी होंगी तो कल वो एक खानदान है। आप लोग अपनी बच्चियों को जामिया सैयदा खदीजतुल कुबरा में जरूर दाखिल करवाएं, 2 साल दरसे निजामी कोर्स है, आपकी बच्ची को दीन के बुनियादी उलूम सारे आ जाएंगे। और आपसे गुजारिश है, ये मदरसा कहाँ खुला है बोलो, ऊंचा बोलिए, कहाँ खुला है? टोबा में। आपका गांव है, आपका मदरसा है, ऐसे ही तो तामुन अटक वालों ने आके नहीं करना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। इसके साथ तामुन करें, माली तामुन करें, अपनी बच्चियों को भेजें ताकि वो इल्मे दीन हासिल करें, इसमें बड़ी बरकतें हैं। नेक औलाद सदका जारिया है, और ऐसे इदारों की तामीर में हिस्सा लेना ये भी सदका जारिया है। अल्लाह करीब हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कैसर अवान की वालदा बाहर खड़ी है, कैसर अवान बाहर चले जाए, माशाल्लाह। अब दिन रुकेंगे, दफ के साथ हमारे मुअज्जज मेहमान सना खान तशरीफ ला चुके हैं, वो दफ के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अकदस में गुलहाय अकीदत पेश करेंगे। और अब चूँकि आपको पता है कि माह फरवरी है, और हमारे मोहसिन, हमारे मुरब्बी, हमारे शेख हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम मुजद्दद वक्त मुजद्दद असर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, आपकी सालगिरह का महीना भी है और उनकी सालगिरह की खुशी में केक काटा जाएगा। मैं मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त मआब पीर तरीकत रहबर शरीयत हुजूर सैयदी प्रोफेसर नईमुर रसूल साहिब से दरख्वास्त करूँगा कि वो हमारे हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम की सालगिरह का केक काटें। बहुत शुक्रिया। اللهم صل على
सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। साहबजादा प्रोफेसर नईम रसूल साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप चूँकि काफ़ी देर से तशरीफ़ फरमा हैं तो आप दुआ फरमाएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद ज़ीशान भाई मुल्क पाकिस्तान के बड़ा नाम, वो तशरीफ़ लाए हैं, दाफ़ के साथ नात पेश करेंगे। साहबजादा साहब दुआ फरमाएंगे और उसके बाद साहबजादा साहब तशरीफ़ ले जाएंगे। आप यहीं पर रहेंगे इंशाल्लाह, नात होगी उसके बाद खाना आप खा के ज़रूर जाइएगा। जज़ल्लाहु अन्ना सीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इलाहुल आलमीन या रब्बुल इज़्ज़त ऐ रब्बे करीम, ऐ रब्बे गफूर, ऐ रब्बे रहीम, ऐ रब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, या अल्लाह ये महफ़िल जिसने भी सजाई, जिसने भी दाम में दिल में कदम में सुख ने इस महफ़िल को सजाने में अपना किरदार अदा किया, या अल्लाह उसके घर में हमेशा खैर और बरकत नाज़िल फरमा, या अल्लाह उसके रिज़्क में, उसकी ज़िंदगी में, उसकी इज़्ज़त में हमेशा इजाफा फरमा। या अल्लाह जितने हाज़रीन मजलिस बैठे हैं, क़िबला लाहौर से तशरीफ़ लाए जितने हाज़रीन मजलिस हैं, सब के घरों में या अल्लाह खैर और बरकत अता फरमा, सेहत व तंदरुस्ती अता फरमा, रिज़्क हलाल अता फरमा, खुला रिज़्क अता फरमा और अपने राह में खुला खर्च करने की तौफीक अता फरमा। या परवरदिगार आलम, जिस तरह हजरत ने मौलाए कायनात सैयदना मौलाना अलील मुर्तज़ा करम अल्लाह वजहु की हमें खूबसूरत बातें बताई, या अल्लाह हम सब को क़यामत वाले दिन मौला अली के ग़ुलामों में उठा, या अल्लाह हमें पुकारना था कि अली के ग़ुलाम की तरह सो साहब के दराज उन सब की बख्शिश की जाती, सब को जन्नत फिरदौस में या अल्लाह मकाम अता हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदख़िलनल जन्नता मअल अब्रार या अज़ीज़ या गफ़ार या रब्बुल आलमीन। रब्बे औज़िनी अन अशकुरा निअमतका अल्लती अन्अमता अलैया व अला वालिदैया व अन आमला सालिहन तर्ज़ा व अदख़िलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन व अदख़िलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन व अदख़िलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्की नूर अर्शी मुहम्मद व अला आलिही व सहाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। बाकी बहबाब रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। माशाल्लाह खूबसूरत महफिल, खूबसूरत लोग। आज एक बड़े बहुत लंबे अरसे के बाद तौबा शरीफ में हाजिरी का मौका मिल रहा है। अल्लाह पाक आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। भाई सुल्तान, आपने हुक्म किया और हाज़री का जो है ये मौका मिला, इनके मशहूर हैं, अल्लाह पाक इनको और भी ज़्यादा इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाने की तौफीक अता फरमाए। उलमाए किराम, हाज़रीन महफ़िल, सभी मौजूद माशाल्लाह कारी नवीद साहब की ज़ियारत हो रही है और बड़ा ख़ूबसूरत एक मजमा, बड़ा ख़ूबसूरत माहौल। तो मोहब्बत से बाबाज़ बुलंद दरूद व सलाम का नजराना बहाजूर सरवरे को नैन पेश कीजिए। कोई लब खामोश ना रहे, इंशाल्लाह हाजिरी को मुख्तसर ही पेश करेंगे क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका है, आप बैठे हैं तो अल्लाह पाक आपका भी आना बैठना सुनना पढ़ना सब कुछ कबूल फरमाए। मोहब्बत से अपनी बेदारी का सबूत देते हुए कह दीजिए सुबहान अल्लाह। यक जुबान हो के बाबाज बुलंद दरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि रसूल
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سارے بابا آواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دان اس دا نام چتھارن والا کسے میدان نہیں ہر دان. تو کوئی لفظ خاموش نہ رہے, محبت سے کلمہ شریف کے رتم میں شامل ہو جائیں گے. پڑھی گے لا الہ الا اللہ لا الہ الا وسلم. جڑا حالی تک نہیں بولیا, اب آقا جانی پہ درود و سلام پیش کر رہے ہیں. اپنی خاموشی کو توڑ کے انشاءاللہ اس کے بعد ناشری پیش کریں گے. سارے دوست ایک زبان ہو کے آپ کی آواز ہماری آواز سے بلند ہونی چاہیے, محبت سے ہمارا ساتھ دیجئے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و علی سیدنا علی و سیدتنا سیدتنا زینب وسیدتنا زینب وسیدنا حسن
सैयदना हुसैन व आला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह के शेर हैदर हुसैन के, हजरत हसन हुसैन के किरदार पर दरूद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद व आला सैयदना व आला सैयदना अली सैयदतना फातिमा व सैयदतना ज़ैनब व सैयदतना ज़ैनब व सैयदना हसन व सैयदना हुसैन व आला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान। आइए मोहब्बत से हजूर के मिराज के हवाले से एक कलाम पेश कर रहा हूँ चंद अशार। हो सके तो अपनी खामोशी को तोड़ के कम से कम सुभान अल्लाह की दाद जरूर दीजिए, इससे आपको भी फायदा होगा हमें भी फायदा होगा। मोहब्बत से अपनी बेदारी का सबूत देते हुए कह दीजिए सुभान अल्लाह। कमली वाले नूर रब फरमाया कमली वाले नू रब फरमाया मैं तेरा ते तू मेरा सोनिया। कमली वाले नू रब फरमाया मैं तेरा ते तू मेरा सोनिया। कमली वाले नू रब फरमाया मैं तेरा ते तू मेरा सोनिया। तैनू अपना हबीब बनाया मैं तेरा ते तू मेरा सोनिया। तैनू अपना हबीब बनाया मैं तेरा ते तू मेरा सोनिया। वेख लवे तू रज के मैनू सुभान वेख लवा मैं सोनिया ते तेनू तेनू इसे ते हां तेनू अरशां ते इसे बुलाया मैं तेरा ते तू मेरा सोनिया। तेनू अरशां ते इसे बुलाया मैं तेरा ते तू मेरा सोनिया। तेनू अरशां ते इसे बुलाया मैं तेरा ते तू मेरा सोनिया। कमली वाले तू रब फरमाया मैं तेरा ते तू मेरा सोनिया। कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान। शायर ने क्या खूबसूरत मंजर कलमबंद किया, फिर कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा बुलंद आवाज से कहना सुभान अल्लाह। कुछ नहीं लुकाया मैं तेरा ते तू मेरा सोनिया। तेरे कोलों ते मैं कुछ नहीं लुकाया मैं तेरा ते तू मेरा सोनिया। कमली वाले नू रब फरमाया मैं तेरा ते तू मेरा सोनिया। तेरे नाले मेरी
सोना सारे हाँ तेनू सोना सारे जग तो बनाया मैं तेरा ते तू मेरा सोनिया कमली वाले नू रब फरमाया मैं तेरा ते तू मेरा सोनिया। और मक्ता मक्ता समाज फरमाइए आपका ईमान ताजा हो जाएगा। बुलंदबाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। जो है तेरा बस ओवे मेरा जो नहीं तेरा ओ नहीं मेरा जो नहीं तेरा ओ नहीं मेरा रब फैसला ए दर्दी मुकाया रब फैसला ए दर्दी मुकाया मैं तेरा ते तू मेरा सोनिया रब फैसला ए दर्दी मुकाया मैं तेरा ते तू मेरा सोनिया कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक नाथ पेश करूंगा और दो कसीदे मौला अली की शान में पेश करके अपनी हाजिरी को मुकम्मल कर दूंगा। एक दफा जरा खुश होकर बुलंद आवाज से कह देना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक खूबसूरत रात के दो अशआर सिर्फ पेश करके इंशाल्लाह मैं मौला अली की मनकबत की तरफ आ रहा हूँ। जो पीछे दोस्त बैठे हो भी जरा बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ हसनैन दे नाने ना वाह वाह हो जिन्ना पक्कियां लाइया ने और फिर जिन्ना पक्कियां लाइया ने फिर उन्हां दा की बनिया समाज फरमान ले जरा बुलंद आवाज़ नाल कह दे सुभान अल्लाह। हसनैन दे नाने नाल हसनैन दे नाने नाल हो जिन्ना पक्कियां लाइया ने हसनैन दे नाने नाल हो जिन्ना पक्कियां लाइया ने हसनैन दे नाने नाल हो जिन्ना पक्कियां लाइया ने हसनैन दे नाने नाल जिन्ना पक्कियां लाइया ने हसनैन दे नाने नाल जिन्ना पक्कियां लाइया ने। नबी साहब सो रब दी सो रब दी सो रब दी दो जगते सो रब दी दो जगते हो उन्हें इज्जत पाया ने सो रब दी दो जगते इन्हें इज्जत पाया ने सो रब दी दो जगते हो इन्हें इज्जत पाया ने। मक्के दियां दाइयां दे हिस्से विच नहीं आया मक्के दियां दाइयां दे हिस्से विच नहीं आया जो खुशियां हलीमा दे जो खुशियां हलीमा दे जो खुशियां हलीमा दे ओ हिस्से विच आया ने जो खुशियां हलीमा दे हिस्से विच आया ने जो खुशियां हलीमा दे हिस्से विच आया ने। हसनैन दे नाने नाल ओ जिन्ना पक्कियां लाइया ने हसनैन दे नाने नाल जिन्ना पक्कियां लाइया ने। अज अर्श दे लाड़े ने तेरी झोली च आउणा है जरा बुलंद आवाज़ से कह दे सुभान अल्लाह सुभान। अज अर्श दे लाड़े ने तेरी झोली च आउणा है खुश खबरियां आ मन्नू ये खुश खबरियां आ मन्नू ये खुश खबरियां आ मन्नू हो जिब्रील सुनाया ने खुश खबरियां मन्नू हो जिब्रील सुनाया ने खुश खबरियां आ मन्नू हो जिब्रील सुनाया ने खुश खबरियां आ मन्नू हो जिब्रील दीजिए सुभान अल्लाह। आइए अब हजूर के घराने की बात करते हैं इसी के साथ अपनी हाजिरी को मुकम्मल करते हैं इंशाल्लाह। बोला दबा से कहते हैं जरा सुभान अल्लाह सुभान। हाँ कि सब तो आलीशान घराना है दरदार
अल्हम्दुलिल्लाह सी मनन आले बैठे हैं कि सब तो आलीशान घराना है दरदा सखियां दा सुल्तान घराना है दरदा बोलो गए दरदा सब तो आलीशान घराना है दरदा सखियां दा सुल्तान घराना है दरदा। और शेर है, सिर्फ शेर नहीं है, ये पैगाम भी है। जरा कह दे सुभान अल्लाह। आल दे बुए उते फरियाद कर आकर औखे वेले पीर अली नू याद कर आकर आल दे बुए उते फरियाद कर आकर औखे वेले पीर अली नू याद कर आकर हाथ बांध के खड़ा होता है वो क्या बन जाता है। समाज फरमाइए सुल्तान भाई, एक दो बुलंद आवाज से आप भी कह दीजिए सुभान अल्लाह। समाज फरमाइए इस घराने तो हजारा फैज पाया है दरते आया नू हमेशा हुर बनाया है। इस घराने हुर बनाया है इस घराने तो हजारा फैज पाया है दरते आया नू हमेशा हुर बनाया है। क्यों करता है एहसान घराना है दरदा करता है एहसान घराना है दरदा फिर दोबारा तो एक दीवाने दे दिल दी आवाज है। ये थोड़ा जोक नहीं जिस तरह से बैठे हो, जरा एक दफा सज्जा हाथ बुलंद करके बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह ने हत्ता नु सलामत रखे। शेर समाज फरमाइए इस घराने तो हजारा फैज पाया है दरते आया नू हमेशा हुर बनाया है। आखिरी कलाम, आखिरी कलाम, कोई जमान खामोश ना रवे। हाँ हर कूचे हर नगर नगर हर गली गली सारे मिलके मारो नारा अली अली सारे मिल
ये घराना मौला पाले अली लज पाले अस मंगड़ा नबी दा सदका ते कहना अली अली सारे मिल के मारो नारा अली अली सारे मिल के मारो नारा अली 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 दे दीवाने आ कति डर के नहीं रहना हर दम कल टली टली सारे मिल के मारो नारा अली अली सारे मिल के मारो नारा अली अली सारे मिल के मारो नारा अली अली सारे मिल के मारो नारा जो तशरीफ लाए दिल की यथा गहराइयों से समीमी कल्ब से आपका शुक्र गुजार हूँ। अब दुआ होगी एक दफ़ा अलखमद शरीफ तीन दफ़ा कुल शरीफ पढ़ के अलामा साहब के मिल कर दें और मैं गुजारिश करूँगा शगिर्द रशीद हुज़ूर सैयद शेखुल इस्लाम से कि आप दुआ फरमाएं और साथ चंद कलमात वो मैं आपसे गुजारिश करूँगा वो भी।